गए जहाँ वो गाड़ियाँ ले गए थे। खोलो खोलो, मुझे अंदर आने दो। कुछ नहीं, मैं अब क्या करूं? मेरे साथ भगवान है। एक और मंडल, बीते हुए कल की एक और झलक। अगर आप कर सके तो। Thank you.
बच्चों को किसने बंदी बनाया? उनका मकसद क्या था? अगर राजी को सच्चाई पता होती तो वो आसानी से हार मान जाती। क्योंकि वो असुर बहुत बेरहम है और स्वर्ग खतरे में है। ये अजीब है ना, कि ऐसा होनहार बच्चा पैदा हुआ, वो भी ऐसे वंश का, जिस समय उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। कौन कह सकता है कि ये सब कैसे होता है? मैं तो नहीं। उन्होंने शक्ति का चित्रण किया है। उनके शब्द अभी तक मेरे कानों में गूंज रहे हैं। मैं आदि पराशक्ति हूं, मैं ही परम सत्य हूं। उन्होंने हमें बताया कि वो ऊर्जा का वो स्वरूप है जो ना बन सकती है ना मिट सकती है। उन्होंने हमें बनाया है जिससे हम उनकी शक्ति से ब्रह्मांड पर राज करें। ब्रह्मा को उन्होंने निर्माता की भूमिका दी और बुद्धिमान सरस्वती को उनकी सहयोगी बनाया। दोनों साथ मिलकर दुनिया बनाएंगे। मेरे लिए उन्होंने मेरे सभी जरूरी अवतारों में संरक्षक की भूमिका निभाई। देवी लक्ष्मी को मेरा सहयोगी बनाया जिससे समृद्धि और वैभव मेरे हाथों में रहे। रुद्र समय के देवता बन गए, ब्रह्मांड के विनाशक और पुनर्निर्माता दोनों, और शक्ति के अन्य रूपों को पार करने के लिए बढ़े। आधा हिस्सा भगवान शिव बना जो बुराई के विनाशक, दूसरा हिस्सा आपको पता है देवी दुर्गा, वो दूसरा हिस्सा आप थी।
हमें कहाँ ले जा रहे हैं? ऐसा क्या है जो वे चाहते हैं? मेरे साथ भगवान है। Thank you.